शबनम से और इकबाल भाई से, ये दोनों का सस्पेंस है जो आज खोल रहा हूं। ये बात राज की है, ये बात राज की है, ये बात राज की है। शबनम मत बोलना किसी से, मतलब कभी सुनाने वाला था इकबाल भाई। ये बात राज की है, मत बोलना किसी से, ये बात राज की है, मत बोलना किसी से। आए हाय हाय, जरूर बंगाल की या कश्मीर की, सोलवा साल चढ़ती जवानी रहे तू सलामत रहे मेरी जोहरा जमीन, जब तलक गंगा जमुना में पानी रहे। इकबाल भाई बड़े खुश हो रहे हैं। ये बात राज की है, मत बोलना किसी से, मुझको चाहती है, मुझको चाहती है। चिमनी, जिन्हें मैं चिमनी कहता हूं, ये बात राज की है, मत बोलना किसी से, बनाकर वो जो गीले बाल अपने छोड़ देते हैं, बरसने वाले बादल अपना रास्ता मोड़ देते हैं, लबे बाम आके वो अंगड़ाइयां जो तोड़ देते हैं, खुदा वाले भी बरसों की वादा छोड़ देते हैं। मुख्तार भाई एक मतलब और आपके लिए पढ़ रहा हूं, मेरी जान है। ये आग प्यार की है, ये आग प्यार की है, दोनों तरफ लगी है। कमी है, मत बोलना किसी से, कमी है।
शबनम इस शेर में एक नसीहत भी है। नजरों से तू चाहे, नजरों से तू चाहे रखना बचा बचा के। ये शबाब कीमती है, मत बोलना किसी से। ये शबाब कीमती है, मत बोलना किसी से। साकिब भाई जब ये मुझे रुपया दे रही थी तो थोड़ा हाथ को हाथ लग गया, तो हंसना शबनम जो हंस नहीं रही है, इसलिए एक शेर अभी अभी कहा है। उसे बेखुदी में आलम, थोड़ा उठ जाओ शबनम, थोड़ा सा उठ जाओ, थोड़ा सा। उसे बेखुदी में आलम अभी छू लिया था मैंने, नाराज हो गई है, नाराज हो गई है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त अजीज भाई जिनकी गजलें मैंने बहुत गाई, इस शेर उनके लिए पढ़ रहा हूं मैं, सभा फरमाए। वो किताबें जिंदगी है, गजलों की जान है वो, वाह वाह वाह। वो किताबें आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, गजलों की जान है वो, वो किताबें जिंदगी है, जान है वो, वही मेरी शायरी है।